किचन लर्न ज्ञान के एक और नई वीडियो के साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे इंडिया पोस्ट सर्कल GDS रिक्रूटमेंट 2024 का। बहुत ही शानदार वैकेंसी 44,228 के साथ में नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है 15 जुलाई 2024 और लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 तक ये वैलिड रहेगा। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 100 रुपए फीस भी एप्लीकेबल है जो ऑल अदर कैंडिडेट के लिए, लेकिन यहाँ पे SC ST PWD फीमेल और ट्रांसवुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के मोड से कर सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन के लिए मिनिमम एज 18 इयर्स और मैक्सिमम 40 इयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस एप्लीकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 10 पास आउट बोला गया है। इसमें बहुत सारा वैकेंसी, आप सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा स्टेट में यहाँ पे आपको कितना वैकेंसी, कौन से कास्ट के लिए है, सभी डिटेल यहाँ पे आपको टोटल 44,228 वैकेंसी इस तरह से आप डिटेल देख पाएंगे। बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और डिटेल आप देख पाएंगे। यहाँ पे आपको हर एक डिटेल देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, LBT कंडीशन। तो यदि आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं, तो जरूर एप्लीकेशन करें। उससे पहले नोटिफिकेशन डिटेल को अच्छी तरह से यहाँ पे आपको देख लेना। साथ ही में एक चीज और ध्यान रखना है, जो भी सर्कल का आप एप्लीकेशन करना चाहेंगे उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सर्कल है उस सर्कल के ऑफिस के कौन कौन से ऑफिस में जॉब लोकेशन होने वाला है उसका डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप सिलेक्शन करेंगे, व्यू पोस्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑफिस का लोकेशन, यहाँ पे आपका जो कैटेगरी होने वाला है उस कैटेगरी में देखिए कौन कितना वैकेंसी है उसका भी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे जनरल में कितना है, OBC में कितना, इस तरह से सभी डिटेल को आप एक बार अच्छी तरह से देख लें एप्लीकेशन करने से पहले। मान लीजिए आप जनरल हैं, जनरल में अवेलेबल है तो जनरल वाला ही आपको सिलेक्शन करना है, दूसरे कैटेगरी में आपको सिलेक्शन नहीं करना है। दोस्तों बात करेंगे इस एप्लीकेशन को कैसे आप फिल कर पाएंगे, और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इससे हमारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट में आना है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देख पा रहे हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं Step 1 रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट में क्लिक करके उसे वैलिडेट कर लेना है। आपके पास OTP जा चुका है, OTP एंटर करने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका OTP वेरीफाइड हो चुका है मोबाइल से। इसके बाद आप अपना ईमेल का OTP यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट में क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं दोनों ही यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नेम टाइप कर लेना, तो नेम एज पर जो क्लास 10 का सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे आपका नेम टाइप करना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको फादर या मदर नेम एंटर कर लेना है, एज पर योर क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे आपको आपका फादर का नेम टाइप कर लेना। इसके बाद आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और उसके बाद आप अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। कम्युनिटी यानी कि जो कास्ट है आपका, जो भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना। याद रखेंगे यदि आप यहाँ पे शेड्यूल कास्ट या ST OBC देते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल हैं तो जनरल यहाँ पे आपको यानी कि UR सिलेक्शन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा कौन सा सर्कल से आपने क्लास 10 पास किए थे, यानी कि आपका सेकेंडरी, तो जो भी स्टेट से आपने क्लास 10 पास किए हैं उसे यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि क्लास 10 आपका कब पास हुआ था, इसका भी डिटेल यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड देख पा रहे हैं इसे आपको टाइप कर लेना, नहीं समझ में आए तो यहाँ से इसमें क्लिक करके आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं और डिटेल यहाँ पे एक बार आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट देख पा रहे हैं, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज यानी कि रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे और भी डिटेल फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांगा जा रहा है जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है इंटर करें, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा क्या आप डिजेबल पर्सन है, यदि आप यहाँ पे यस करते हैं तो डिजेबिलिटी टाइप और बाकी का डिटेल आपको इंटर करने पड़ेंगे। अगर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो नो करें। दोस्तों यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जो भी आपका लैंग्वेज है, जो आपने स्टडी की है क्लास 10 में, यहाँ पे बहुत सारे आपको लैंग्वेजेस मिल जाते हैं, उसको यहाँ पे आपको टिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, यदि आप हैं तो यहाँ पे आपको NOC और बाकी का डिटेल देना पड़ेगा, यदि आप नहीं हैं तो सिंपली आपको नो कर देना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको आपका फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। देख सकते हैं फोटो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में एक्सेप्ट किए जाएंगे, जिसका यहाँ पे साइज 50 KB
बोला गया है। अप टू 50 के बीम होना चाहिए, 200 dpi और डायमेंशन जो कि 200x230 यहाँ पे पिक्सल आपका इस तरह से डिटेल यहाँ पे होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो ये भी आपका JPG फॉर्मेट और अप टू 20 KB 200 dpi के साथ में डायमेंशन 140x60 यहाँ पे आपका पिक्सल ऐसा रेजोल्यूशन यहाँ पे बोला गया है। दोस्तों यदि आपका फोटो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड नहीं ले रहा है तो इसे कैसे रिसाइज करना है इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह से सभी डिटेल को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट देख पा रहे हैं इसमें आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल दिखाया जा रहा है तो यहाँ पे आप अपना जो भी डिटेल देख पा रहे हैं उसे अच्छी तरह से यहाँ पे आपको चेक कर लें। यदि आपको लगे कि आपने कुछ मिस्टेक किए तो अभी आप इसे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। सभी डिटेल ठीक रहा तो यहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना है चेक बॉक्स में और यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई इसमें क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन डिटेल में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्ड है और यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्शन कर लेना जो भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल के लिए करना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया और सबमिट में आपको क्लिक कर देना। आपके रजिस्टर्ड किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP जा चुका है, उसके बाद OTP यहाँ पे आपको कंफर्म करना हो और जो कैप्चा कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे टाइप करके यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए क्लिक कर देना। इसके बाद हमें हमारा जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसे यहाँ पे आपको फिल कर लेना। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों ही डिफरेंट है तो यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं और अगर दोनों ही एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज ए कम्युनिकेशन एड्रेस इसमें आपको टिक कर लेना है। उसके बाद सभी डिटेल यहाँ पे आपका फिल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी क्लास 10 आपने जो भी स्टेट बोर्ड से पास किए थे डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसे यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। साथ ही में ध्यान रखेंगे आपको यहाँ पे और भी कई सारा डिटेल यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चूंकि मेरे केस में यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल सेकेंडरी बोर्ड है वो 2022 के बाद है तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। आप अपना डिटेल यहाँ पे जो भी सिलेक्शन करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग में करना है, मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद हमें हमारा जो मार्क्स है इसे यहाँ पे फिल आउट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सभी मार्क्स का डिटेल इंटर कर लेना है, काउंट करके देख लेंगे जो यहाँ पे आपने मार्क्स काउंट किए हैं जो इंटर किए हैं और आपका सर्टिफिकेट में भी काउंट करके देखे, दोनों में मिला के देख ले। अगर आपका मार्क्सशीट में एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है तो जीरो इंटर करें और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देख पा रहे हैं इसमें आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रेफरेंस है देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी डिवीजन के लिए आप अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको अपना डिवीजन यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना पड़ेगा। बहुत सारे डिवीजन आपको देखने को मिलेगा आपके सर्कल के अंदर में, तो जो भी डिवीजन के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अंदर में कौन कौन सा यहाँ पे आपका ऑफिस है और जिसमें पोस्ट अवेलेबल है उसका भी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपका एरिया में कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रेफरेंस यहाँ पे आप देना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर है जिसे आपको वन नंबर में देना है, इसी तरह से इसी अकॉर्डिंग से आपको सभी डिटेल को फिल कर लेना। साथ ही में इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जनरल हैं तो आपको जनरल के प्रेफरेंस को ही यहाँ पे सिलेक्शन करना है। मान लीजिए आप एक ही प्रेफरेंस रखना चाहेंगे तो एक नंबर यहाँ पे जो भी रखना चाहेंगे वन नंबर देंगे और बाकी सबको डिलीट कर देंगे। इस तरह से आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल प्रेफरेंस रखने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन देख पा रहे हैं इसमें आपको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना और यहाँ पे चेकबॉक्स में कंफर्म करके सेव एंड प्रोसीड में क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा और सभी डिटेल यहाँ पे आप देख पाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो प्रेफरेंसेस रखे हैं उसका सभी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्रिंट का ऑप्शन मिल जा रहा है, इसे क्लिक करके प्रिंट आउट लेकर रख लेंगे। दोस्तों इस तरह से आप ये एप्लीकेशन को बड़े ही आसानी से फिल कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि हमारा ये अपडेट आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।